क्योंकि एक डिबेट विक्रांत बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हो रही है, मैं चाहूंगा पहले उस पर हरभजन सिंह से बात कर लें, क्योंकि हरभजन सिंह का एक स्टेटमेंट था कि बाबर आजम की सक्सेस के पीछे रिजवान का बड़ा क्रूशल किरदार है। तो भजी जरा बताइए, एक डिबेट यहां पर है कि रिजवान और बाबर की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है बहुत सॉलिड है, लेकिन एक तनकीद ये होती है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो शायद कम होता है। शुरू के 10 ओवर में पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट 64 बनाए, हांगकांग के अगेंस्ट 68 बनाए, और फिर एंड में मिडिल ऑर्डर ने, लोअर ऑर्डर ने ज्यादा स्कोर किया। आप कैसे देखते हैं इसको, कोई स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है या जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेलते रहे? क्योंकि कल मैंने देखा मैन ऑफ द मैच होने के बावजूद वसीम अकरम ने थोड़ी क्रिटिसाइज किया रिजवान को कि उनको और तेज खेलना चाहिए था, और अगर आउट हो जाते तो नीचे वाले कम से कम आके तेज खेलते। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं वसीम अकरम साहब से कि जो रिजवान का गेम है वो बाबर की तरह नहीं खेल सकते, क्योंकि रिजवान एक अटैकिंग खिलाड़ी हैं, और मैंने थोड़ी बहुत जो उनके करियर को फॉलो की है, और जब जब उन्होंने अच्छी पारियां खेली है वो बहुत तेज तर्रार पारियां हैं, और जिसके चलते हुए पाकिस्तान को फायदा भी हुआ है। और अगर वो बाबर आजम की तरह बल्लेबाजी करने लग जाएंगे तो फिर आपको दोनों ओपनर ऐसे नहीं भेज सकते कि पहले 6 ओवर सिर्फ विकेट बचाइए। आई थिंक T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें रिजवान जैसे खिलाड़ी जो है वो गेम को आगे तक लेके चलते हैं कि सामने से अटैक करके, जैसे वीरेंद्र सहवाग की बात करें या फिर आज के दौर की अगर बात करें तो फिर रोहित शर्मा वैसे खिलाड़ी हैं या डेविड वार्नर ऐसे खिलाड़ी हैं, उसी शैली में मैं इनको भी गिनता हूँ। रिजवान के पास वो गेम है, वो ये अटैकिंग प्लेयर है, बट अगर ये स्लो खेलना शुरू कर देगा तो निश्चित तौर पे अपनी टीम को वो पहले से ही दबाव में डाल देगा। उस दिन तो देखिए मिडिल ऑर्डर ने आके लग गए, रन बन गए, लंबे छक्के लग गए, क्योंकि हांगकांग के पास वो गेंदबाजी नहीं है या फिर वो जो कहते हैं ना बॉलिंग का लहजा नहीं है वैसा जैसे बाकी टीमों के पास है। तो अगर इसी तरीके से आप पेश आएंगे कि कोशिश करेंगे पहले 6 ओवर विकेट ना गंवाएं और रिजवान और बाबर दोनों आराम से खेलें तो इट इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया। आप खेलिए 6 ओवर पहले और उसमें 20-25 रन बनाइए, फिर मैं देखता हूँ कि मिडिल में आप युजवेंद्र चहल को या फिर उनके साथ अक्षर पटेल को कैसे रन बनाओगे।